हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाहिन रियाज और आज का हमारा टॉपिक है मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट्स की सीरीज से जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, जिसमें हमने चार पार्ट पढ़े थे अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस के, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ मैट्राइसिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस। उसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम उसको मजीद सॉल्व करेंगे, जैसे आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएँ। इससे पहले हम शुरू करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक करें, जैसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मजीद पहुंचती रहे। तो आए पहले हम समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं समझा चुका हूं पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। तो अब हम उसके क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने बताया था कि हम कोई भी नंबर उठाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उस नंबर को हम मैट्रिक्स के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस नंबर को हम डिनोट करते हैं के साथ, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैट्रिक्स हमारे पास है ए, सपोज, ठीक है, ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं सर, ए बी सी और डी के साथ, ठीक है। और दूसरा मेरे पास यहाँ पे के मिला हुआ है 4, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, के ए फाइंड करना है। तो अब सिंपल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि के ए मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने के को उठाना है और हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको के ए यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट मिल जाएगा। के हमारा यहाँ पर एक स्केलर नंबर है, ठीक है। स्केलर क्या होता है, ये नंबर होता है कोई भी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ए एक मैट्रिक्स है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। अब क्या होता है, के ए के साथ में इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, नंबर को पहले लिखना है के और एज इट इज मैट्रिक्स को ए बी सी डी, ठीक है, लिख देना है। अब क्या करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है ईच एंट्री के साथ, 4 मल्टीप्लाई ए तो 4 ए होगा, 4 मल्टीप्लाई बी तो 4 बी होगा, 4 मल्टीप्लाई सी तो 4 सी होगा, 4 मल्टीप्लाई डी तो 4 डी होगा। अब ऐसा एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं जैसे आपको मजीद स्केलर मल्टीप्लीकेशन का पता चल जाए। सपोज लेट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, b बराबर है मेरा 1, 3, 5 और 2 के, और k बराबर मुझे मिला हुआ है यहाँ पर 3। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, देन फाइंड k a, ठीक है। k a हमें पता है क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब k b हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये मैट्रिक्स लिया हुआ है b, तो ये k b यहाँ पर मुझे फाइंड करना है। k हमें पता है क्या है, 3, एज इट इज रख देना है और ये मैट्रिक्स को लिख देना है। उसके बाद सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना है ईच एंट्री के साथ, 3 × 1 तो ये हमारा 3 होगा, 3 × 3 ये 9 हो जाएगा, 3 × 5 ये 15 होगा और 3 × 2 हमारा 6 होगा। ये इसका आंसर और ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब जो सेकेंड अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस में हमने टॉपिक पढ़ा था वो था, या उसका पार्ट था जो हमारा, वो था एडिशन ऑफ 2 मैट्राइसिस। अब उसमें हमने क्या किया था, 2 मैट्राइसिस लिए थे, उसमें हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना था। एक हमने उसके आर्डर का ध्यान रखता था, जिसमें हमें सेम आर्डर चाहिए होता है, और दूसरा उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, एडिशन को परफॉर्म करता हूँ, ये आप नोट कर लें, ठीक है। अब एडिशन पे आते हैं, एडिशन के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपको एडिशन की भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब एडिशन में क्या है, सिंपल हमने क्या करना है, 2 मैट्रिक्स लेने हैं। एडिशन ऑफ 2 मैट्राइसिस में आपने ए मैट्रिक्स लेना है, ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेट ए बराबर है मेरे पास, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और बी बराबर है हमारे पास 1, 3, 5 और 2। अब देखिए इसका आर्डर सेम, पहले आपने आर्डर चेक कर लेना है। अब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो मीन्स हमारा आर्डर सेम हो गया, ठीक है। आर्डर सेम हो गया तो एडिशन हमारी पॉसिबल है, तो यहाँ पर एडिशन हमारी पॉसिबल हो जाएगी, कैसे, जैसे हमारा आर्डर सेम हो जाएगा। तो अब क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी को, ठीक है। ए प्लस बी के लिए क्या करूँगा, ए प्लस बी एज इट इज लिखूंगा, ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, 1, 3, 2 और 4, इसमें ऐड करना है मुझे बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स है हमारा 1, 3, 5 और 2। आपने इसमें क्या करना है, अब ए प्लस बी को ऐड कर देना है, ईच एंट्री को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है, 1 ऐड होगा 1 के साथ, 3 ऐड होगा 3 के साथ, 2 ऐड होगा 5 के साथ और हमारा 4 ऐड होगा 2 के साथ। ये हमारा सिंपल एडिशन ऑफ 2 मैट्राइसिस परफॉर्म हो जाएगा। 1 और 1 2, 3 और 3 6,
2 और 5 7 और 4 और 2 ये 6 हमें एडिशन ऑफ 2 बाय 2 मैट्रिक्स का हमें मिल गया। अब 3 बाय 3 हो तो उसमें भी क्या रूल सेम रहेगा या चेंज होगा, अब उसको देखते हैं। अब मैं एग्जांपल ये आप नोट कर लें, मैं एग्जांपल अब 3 बाय 3 का लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 3 बाय 3 का और दूसरा भी 3 बाय 3 का। अब लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 6 7 8 2 9, ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। और मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है हमारा 1 3 5 2 3 6 7 9 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने आर्डर चेक कर लेना है। पहले 3 बाय 3 का है, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, तो मतलब हमारा आर्डर सेम है, तो एडिशन पॉसिबल है। अब ए प्लस बी अब कर लूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, दूसरी बात एडिशन में हमें ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है। 1 8 1 होगा, 2 8 2 होगा और 3 8 7 के साथ हो जाएगा, और उसके बाद 4 8 होगा हमारा 2 के साथ, और उसके बाद 6 8 होगा हमारा 3 के साथ, 7 8 हो जाएगा 6 के साथ, 8 8 एडिशन 7, ठीक है, 2 8 होगा हमारा 9 के साथ, और 9 8 होगा हमारा 2 के साथ। अब इसका सिंपली हमें क्या करना है, रिजल्ट ऐड कर लेना है, 1 और 1 2 2 और 2 4 3 और 7 ये 10 हो जाएगा, 4 और 2 6 होगा, 3 और 6 9 होगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 8 और 7 15, 2 और 9 11 और 9 और 2 भी 11। तो आपने देखा कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, हमने सिंपली दो चीज़ें चेक की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया। अब चलते हैं थर्ड ऑपरेशन पर, उसके भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे आपको याद रिमेम्बरेंस हो जाए, ठीक है, याद हो जाए और उसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस पर। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सिंपली हम दो मैट्रिक्स उठा लेते हैं, ठीक है, वही मेथड होगा, कोई चेंजिंग नहीं है, वही रूल होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमने ऑर्डर को चेक कर लेना है, पहले एग्जांपल को मैं सॉल्व करता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। अब लेट ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 1 2 5 7 और उसके बाद बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं 1 0 2 3। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी मुझे फाइंड करना है, यानी ए से बी मुझे कट कर देना है, ठीक है। अब ए से बी कट करूँगा तो क्या होगा, अब सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपली ए माइनस बी, पहले ए मैट्रिक्स लिख देना है 1 2 5 7, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने बी में से और 1 0 2 3। अब उससे पहले आपको मैं ऑर्डर की बात बता दी थी, इसका ऑर्डर सेम है तो हम पॉसिबल है एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या है, 1 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 0 होगा, 5 माइनस 2 होगा, उसके बाद 7 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, 1 से 1 गया 0 बच गया, 2 से 0 गया 2 बच गया, 5 से 0 2 गए 3 बच गए, 7 से 3 गए यहाँ पर 4 बच गए, ये हमारा आंसर आ गया। अब सिंपली हमने 3 बाय 3 में भी यही प्रोसीजर अप्लाई करना है, उसका भी मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। अब उसमें क्या करना है, उसमें भी आपने यही सेम मेथड यूज़ करना है, पहले आपने उसकी चेक करनी है कि ऑर्डर उसका सेम है या नहीं। ए मैट्रिक्स है 1 2 5 7 2 3 और उसके बाद 3 2 9। अब बी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ यहाँ पर 3 बाय 3 का सेम, ठीक है, 1 2 7, ठीक है, उसके बाद 3 4 2 2 5 और 0। अब मुझे फाइंड करना है ए डिफरेंस बी, सिमिलरली कोई चेंजिंग नहीं है, ए डिफरेंस बी आपने देखा ऑर्डर पे आपने पहले चेक कर लेना है, इसकी रो और इसकी रो सेम है और कॉलम भी सेम है, तो मीन्स ऑर्डर हमारा सेम हो गया। अब मुझे ए मल्टीप्लाई बी फाइंड कर लेना, सॉरी ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, तो ए पहले लिख दूंगा 1 2 5, उसके बाद 7 2 3, 3 2 9, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से बी, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स क्या है मेरा 1 2 7, उसके बाद 3 4 2, ठीक है, थर्ड है हमारी रो 2 5 और 0। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी, तो सिंपल मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ ए डिफरेंस बी। अब आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग को कट कर देना है, 1 माइनस 1 होगा, ठीक है, ये 2 माइनस 2 हो जाएगा और 5 माइनस 7 होगा, उसके बाद सेकंड रो में 7 माइनस 3 होगा और 2 माइनस 4 होगा
और 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 यहाँ भी होगा और 2 माइनस 5 होगा और लास्ट में हमारा 9 माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ जैसे इसका सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया फिर 0, 5 में से 7 गए तो माइनस के 2 बच जाएंगे, उसके बाद 7 में से 3 गए तो 4 बच जाएंगे और 2 में से नेगेटिव 4 गए तो नेगेटिव 2 बच जाएंगे, 3 में से 2 गया 1 बच गया, उसके बाद 3 में से 2 गया 1 बच गया और 2 में से 5 गया यहाँ पर माइनस 3 बच गया और 9 में से 0 गया तो यहाँ पर मेरा सिंपली ये आंसर मुझे सब्ट्रैक्शन का मिल गया। आप देख सकते हैं कि सिंपल हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम रूल किया। अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंट होगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन को भी समझें, मल्टीप्लिकेशन का भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सारा ये कवर किया हुआ है, पहले आप लास्ट वीडियो देख लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की जैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाए फिर आप इस वीडियो को देखना। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी हमने पहले क्या करना होता है, पहली चीज हमने आर्डर को चेक करना है। अगर आर्डर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन हमारी पॉसिबल हो जाती है। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2x2 मैट्रिसेस का। लेट ए बराबर मेरा है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर है मेरा 3 2 1 और 0। अब मुझे फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ ए बी, ठीक है। सॉल्यूशन आपने चेक करना है, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, तो आपने क्या करना है इसको, अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो आपने मल्टीप्लाई कर देना है ए मल्टीप्लाई बी। पहले आपने ए मैट्रिक्स लिखना है 1 2 3 4, उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन देनी है और बी मैट्रिक्स लिखना है 3 2 1 0। अब ए मल्टीप्लाई बी लिखना है यहाँ पर, या ए बी भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में हम या तो रोज को उठाते हैं सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कॉलम को उठा के सारे रोज के साथ मल्टीप्लाई। अब मैं रो को उठा रहा हूँ, पहली रो को और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड से भी होगा, 1 मल्टीप्लाई 3 होगा, ठीक है, एडिशन की सिंबल, और 2 मल्टीप्लाई ये 1 हो जाएगा। अब पहला कॉलम हो गया, अब दूसरे कॉलम में 1 मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा, एडिशन की सिंबल, और 2 मल्टीप्लाई 0 होगा। अब सेकेंड में आते हैं 3 मल्टीप्लाई ये 3 होगा, एडिशन की सिंबल, और 4 मल्टीप्लाई ये हमारा 1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 3 3 होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 ये हमारा 2 हो जाएगा, उसके बाद इसको ऐड कर दूंगा और 1 मल्टीप्लाई 2 ये 2 होगा और 2 मल्टीप्लाई 0 ये हमारा 0 होगा, उसके बाद यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 4 मल्टीप्लाई 1 ये 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। 0 जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी आपका सिंपलीफाई आप करते हैं इसको, एडिशन को 3 और 2 3 और 2 5, 2 और 0 2 हो जाएंगे, 9 और 4 13 हो जाएंगे, उसके बाद 6 और 0 ये 6 होंगे, ये हमें आंसर मिल गया सिंपल 2x2 मल्टीप्लीकेशन 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का। अब चलते हैं 3x3 को एक सॉल्व करते हैं, जैसे आपको मजीद कोई डाउट ना रहे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन के मुताबिक। ठीक है, अब आते हैं 3x3 का एक मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये आप नोट भी करते जाएं साथ साथ जैसे आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट मिले। अब लेट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट ए बराबर हमारा मैट्रिक्स है 3x3 का 4 2 3 3 5 2 या 0 1 2 9 या 2, ठीक है, उसके बाद अब मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी। अब बी मैट्रिक्स में क्या है 1 5 2 0 1 2 3 1 0, अब ये मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया। अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, ए बी कह सकता हूँ या मैं इसको ए मल्टीप्लाई बी कह सकता हूँ, ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है। अब सिंपली आपने क्या करना है, वही मेथड यूज करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब ए मल्टीप्लाई बी के लिए आपने आर्डर को चेक कर लेना है, सेम है, ये भी 3x3, ये भी 3x3, रोज इक्वल टू रोज, कॉलम इक्वल टू कॉलम, मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, तो हमारी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाएगी, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ए मल्टीप्लाई बी पर। अब ए मैट्रिक्स एज इट इज लिख दूंगा 4 2 3 3 5 0 1 2 और 2। अब बी मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब बी मैट्रिक्स हमारा है 1 5 2 और 0 1 2 3 1 0। अब चलते हैं इसको प्रोसीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ए मल्टीप्लाई बी हमें पता है कैसे होगा, ये सॉल्यूशन। ठीक है, आप चलते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करना है, आपने मल्टीप्लीकेशन में करना क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था, 2x2 हो या 3x3 हो या 4x4, आपने सेम मेथड यूज करना है। कोई भी एक रो उठानी है, उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आपने थर्ड रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यही मेथड आपने यूज करना है। या कॉलम उठा के रोज के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 4x1 ये हमारा 4x1 एडिशन की सिंबल, फिर 2x0 यहाँ एडिशन की सिंबल, 3x3 ये हमारी एडिशन की सिंबल, फिर पहली रो से दूसरा कॉलम, 4x5 एडिशन की सिंबल, 2x1 एडिशन की सिंबल, 3x1 एडिशन की सिंबल, थर्ड कॉलम 4x2 एडिशन की सिंबल, 2x2 एडिशन की सिंबल और 3x0 एडिशन की सिंबल। अब पहली रो हमने कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर दी सारे कॉलम्स के साथ, अब दूसरी रो उठानी है और दूसरे फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3x1 ये हमारा होगा और एडिशन 5x0 हो जाएगा, उसके बाद 0x3 होगा। ठीक है, एडिशन की सिंबल आपने बीच में लेनी है, 3x5 अब सेकंड कॉलम के साथ, एडिशन 5x1, ठीक है, उसके बाद 0x1, थर्ड कॉलम 3x2, उसके बाद एडिशन की सिंबल 5x2 और एडिशन की सिंबल और 0x0, आपने एडिशन की सिंबल के साथ लिख लेना है। अब चलते हैं इसको थर्ड, इसके रो को सॉल्व करते हैं। 1x1 यहाँ पर लिख देंगे एडिशन की सिंबल, 2x0 लिख देंगे एडिशन की सिंबल, 2x3 लिख देंगे बीच में एडिशन की सिंबल, 1x5 होगा, उसके बाद 2x हमारा अगेन 1 होगा और उसके बाद 2x अगेन 1 होगा और थर्ड कॉलम में 1x2, उसके बाद 2x अगेन हमारा होगा 2 और थर्ड में हमारा 2x0 विद एडिशन की सिंबल, विद एडिशन सिंबल। अब चलते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बी की फॉर्म को अब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 4x1 ये 4 होगा एडिशन की सिंबल, ठीक है, 2x0 ये 0 हो जाएगा और 3x3 हमारा 9 होगा। अब 3x1 3 होगा, 5x0 0 हो जाएगा और 0x3 ये भी 0 होगा, 1x1 1 होगा और 2x0 0 और 2x3 6। अब चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। 4x5 20, 2x1 2 प्लस 3x1 3, 3x5 15, 5x1 5 और 0x1 तो ये 0, 1x5 तो ये 5 होगा और 2x1 तो ये 2 होगा और 2x1 ये अगेन हमारा 2 हो जाएगा। अब थर्ड पे चलते हैं, 4x2 8 होगा और 2x2 ये हमारा 4 होगा और 3x0 ये हमारा 0 हो जाएगा, 3x2 6 होगा और 5x2 10 होगा और 0x2 0 तो 0 होगा और 1x2 2 होगा एडिशन की सिंबल, उसके बाद 2x2 4 हो जाएगा और उसके बाद हमारा लास्ट है 2x0 तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब इसको ऐड कर देना है आपने और कुछ नहीं हमने चेंजिंग करनी। ठीक है, अब आते हैं, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं ए मल्टीप्लाई बी पे लिख देता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन, जैसे आपको क्लियरली दिख जाए। अब यहाँ पर क्या है, 4 और 9 13 हो जाएगा, उसके बाद 20 और 22 25 हो जाएगा ये वाला और लास्ट वन 8 और 4 ये 12 हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे, 3 0 0 3 हो जाएगा और 1 और 6 ये हमारा 7 हो जाएगा, 15 और 5 ये हमारा 20 होगा और 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा और 6 10 16 होगा और लास्ट वन हमारा 2 और 4 यहाँ पर 6 होगा। तो ये हमें आंसर मिल गया ए मल्टीप्लिकेशन बी का। आपने ये सारा प्रोसीजर नोट कर लेना है और उसको मजीद अंडरस्टैंड करना है, जैसे आपने समझ, उम्मीद है आपको ये सारा प्रैक्टिस सेक्शन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का समझ आ गया होगा। थैंक्स।